हमको ऐसा विश्वास है कि आगे और इससे बेहतर पद प्राप्त करेंगे और प्रदेश का ये नेतृत्व करेंगे। ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और जन्मजात प्रतिभा के धनी हैं और उनमें अद्भुत संगठन क्षमता है, अद्भुत प्रशासनिक क्षमता है। दिल खुश करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक सच्चे व्यक्ति को, सच्चे नेता को, सच्चे कार्यकर्ता को इतना अच्छा पद दिया है। विजय शर्मा के डिप्टी सीएम बनने के बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उनके घर पर मौजूद है, उनके कुछ दोस्त है, वो हमारे साथ है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कितना उत्साह है आप लोगों में। बहुत ज्यादा उत्साह है, बल्कि कवर्धा जिला में उत्साह है और उत्साह तो ऐसा है कि सबके दिल में और जुबान पे। आपके साथ खेलने वाला, स्कूल जाने वाला अब छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम है, कितने उत्साहित? बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हमको ऐसा विश्वास है कि आगे और इससे बेहतर पद प्राप्त करेंगे और प्रदेश का ये नेतृत्व करेंगे। जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसी समय से ही इसमें इनमें जो है योग्यता दिख रही थी और आज हम बहुत प्रफुल्लित हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के जो है युवा जो है बहुत उत्साहित है। आप उनके लीगल एडवाइजर भी रहे लगातार, जब वो जेल पर थे तो आप उनके लिए लड़ते दिखाई दिए हैं, तो उम्मीद कैसी थी कि वो जेल इसी समय लगभग एक डेढ़ साल पहले, दो साल पहले वो जेल में थे और उसके बाद अब आज वो डिप्टी सीएम है। ये कवर्धा में जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कवर्धा जो धर्म नगरी है वहाँ भगवा ध्वज को किस तरह से रौंदा गया था और उसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों के खिलाफ मोहम्मद अकबर ने अपने पद का उपयोग दुरुपयोग करके फर्जी मामला बनवाया, एक के बाद एक मामले, एक के बाद एक फर्जी मामला दर्ज करा करके हमारे साथियों को जेल भेजा। उसमें प्रमुख रूप से विजय शर्मा भी थे और उसके साथ में जब ये न्यायिक अभिरक्षा में थे तो कवर्धा से रायपुर और रायपुर से कवर्धा शिफ्ट करके इनकी हत्या की साजिश भी रची गई थी। उसे हमने इस बात की आशंका भी जाहिर किया था और ये मोहम्मद अकबर का जो उसने जो दुष्कृत किया था उसका दुष्परिणाम है, उसी का उसको परिणाम मिला है कि कवर्धा की जनता ने उसको 40,000 से अधिक मतों से हरा करके यहाँ से भेजा है। और उसी समय जो भगवा ध्वज के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी उसमें उसके बाद से कवर्धा की जनता ने इनको हाथों हाथ उठाया और आज ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और ये उनका भविष्य उज्ज्वल है। इसी विषय आपसे तो गणना के समय भी मैंने बात की थी, सुबह ही आप दावे करते नजर आए थे कि 40,000 से जीतेंगे और लगभग 40,000 से वो जीत भी दर्ज कराए, तो क्या उम्मीद थी डिप्टी सीएम बनेंगे? हमको विजय शर्मा जी के प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास था। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना है। जन्मजात प्रतिभा के धनी हैं और उनमें अद्भुत संगठन क्षमता है, अद्भुत प्रशासनिक क्षमता है और हमको ऐसा लगता है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो जब अब आपका दोस्त डिप्टी सीएम बनकर कवर्धा आएगा तो क्या तैयारी है? भगवा विजय शर्मा जी का भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। वो हमारे बड़े भैया है, रायपुर में हम लोग बहुत सालों से एक साथ रहे हैं। ये दिल खुश करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक सच्चे व्यक्ति को, सच्चे नेता को, सच्चे कार्यकर्ता को इतना अच्छा पद दिया है। देख सकते हैं कि बोलते हुए भावुक भी हो जा रहे हैं उनके जो समर्थक हैं, दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं, तो कैसा उत्साह है आप लोगों में? कवर्धा वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और विजय भैया को आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से कवर्धा की जनता बहुत प्यार दे रहे हैं और अब तो भगवा ध्वज के बाद विजय भैया को हाथों हाथ उठा लिए हैं और विजय भैया की प्रशासनिक जो क्षमता है वो सर्वोपरि है सबके लिए। बहु प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं वो, अभी तो प्रदेश में है, उम्मीद करते हैं देश में राम रोशन करेगा कवर्धा का, आने वाले समय में बहुत बड़ा पद में जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि उत्तरोत्तर विकास करें, तरक्की करें और हमारे कवर्धा का विकास का के भागीदार बने। देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जिनके साथ विजय शर्मा जब विधायक नहीं थे तब भी इनके साथ दिखाई देते थे और ये लोग हमेशा उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। अभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका दोस्त है जो उनके साथ रोज शाम को बैठा करता था, वो अब छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम है। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।